वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 1984, इंदिरा गांधी की मौत के बाद उपजी सहानुभूति की लहर के बीच कांग्रेस पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकसभा के रण में उतरी थी। विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज इसी रणनीति में जुटे थे कि कैसे अनुभवहीन राजीव गांधी को चुनावी मैदान में मात दी जाए। इन्हीं वरिष्ठ विपक्षी नेताओं में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी का जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था, लिहाजा राजमाता विजया राजे सिंधिया के सुझाव पर वाजपेयी ने अपनी जन्मभूमि ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतरने का फैसला लिया। गृह जनपद का लाभ और राजमाता विजया राजे सिंधिया और सिंधिया राजघराने के साथ के बाद अटल जी की जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही थी। राजमाता के बेटे माधवराव सिंधिया ने तो अटल जी को जीत की शुभकामनाएं भी एडवांस में दे दी थी, मगर तभी राजीव गांधी ने चुनावी बिसात पर एक ऐसा तुरूप का इक्का चला जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। कैसे बनी अटल को हराने की वह योजना, आइए जानते हैं। विपक्ष के लिए अटल जी की जीत जितनी जरूरी थी, कांग्रेस के लिए उतना ही जरूरी था अटल को हराना। आखिर विपक्ष का मनोबल तोड़ने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। राजीव की कोर टीम इसी उधेड़ बुन में जुटी थी कि उनके भरोसेमंद सलाहकार अरुण नेहरू की एंट्री हुई। नेहरू ने ग्वालियर से शाही घराने के प्रिंस माधवराव सिंधिया को चुनावी रणभूमि में उतारने का फैसला किया। वही माधवराव जिनसे दूर रहने की सलाह जीते जी इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव को दिया करती थी। राजीव को अरुण नेहरू का सुझाव पसंद आया, मगर दिक्कत यह थी कि क्या अपनी मां के खिलाफ इतना बड़ा कदम माधवराव उठाएंगे। माधवराव का मनाने का जिम्मा भी अरुण नेहरू ने उठाया। कहा जाता है कि उन दिनों राजमाता और माधवराव के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, लिहाजा राजनीति की जमीन पर अपनी ही मां से हिसाब बराबर करने का इससे अच्छा मौका माधवराव को नहीं मिलता। फिर वही हुआ जिसे लेकर अरुण नेहरू पहले से आश्वस्त थे। माधवराव चुनाव में अटल जी को चुनौती देने के लिए अपनी परंपरागत सीट गुना की जगह ग्वालियर से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए, मगर पिक्चर तो अभी बाकी थी क्योंकि मां बेटे के बीच चुनावी शतरंज की ये बस पहली ही चाल थी। राजीव गांधी और अरुण नेहरू ने माधवराव को साफ साफ समझा दिया कि उनके ग्वालियर से चुनाव लड़ने की खबर को किसी को भी भनक तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी नहीं। माधवराव को भी यह योजना पसंद आ गई। अटल जी तो अपने पत्ते पहले ही खोल चुके थे। ऐसे में भगवा ब्रिगेड और राजमाता को चकमा देने के लिए कांग्रेस ने एक डमी उम्मीदवार से पहले ही ग्वालियर में नामांकन करवा दिया। राजमाता सिंधिया ने तो अटल के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया और फिर ऐन वक्त पर कांग्रेस ने चला अपना असली दांव। नामांकन के आखिरी दिन और आखिरी घंटे में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर ग्वालियर से अपना पर्चा दाखिल किया। कहा जाता है कि उस वक्त तक राजमाता सिंधिया को भी इसकी भनक नहीं लग पाई थी। जब उन्हें पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। पहले से ही खराब चल रहे माँ बेटे के रिश्ते की खाई और चौड़ी हो गई। राजमाता ने अपने ही बेटे के खिलाफ
ग्वालियर में चुनाव प्रचार भी किया, मगर ग्वालियर की जनता ने राजमाता की बात सुनने के बजाय अपने श्रीमंत का साथ दिया और माधवराव सिंधिया 1984 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी को मात देने में कामयाब हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी इस हार से टूटने की जगह ठहाके मारकर हंसते हुए बोले, मेरी इस हार में इतिहास छिपा है। अटल जी ने उसके बाद कभी ग्वालियर से चुनाव तो नहीं लड़ा, मगर उनकी हार ने भी एक इतिहास तो बना ही दिया। ग्वालियर राजघराने की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।